आजकल ऐसे वीडियोस या ऐसी स्टोरीज लोगों के जहन में क्यों ज़्यादा क्लिक करती हैं या क्यों लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं? कभी हमने आपने इस पे कभी गहन विचार नहीं किया, सोचा नहीं, क्योंकि हम लोग इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतने गैजेट्स के पीछे और लिवाइस लाइफ स्टाइल के पीछे भाग रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अपना गांव प्रवेश होता था ना, तो गांव के प्रवेश में मैंने खुद देखा है बचपने में पक्षी और जानवर के साथ इंसानों का बहुत अच्छा तालमेल होता था। मैं अपने खुद के घर में जो अल्जेशियन डॉग होता था गांव देहात में, वही सबसे अच्छा ब्रीड उस समय मानी जाती थी। एक बार हम खेत खेत में पिताजी बखराई कर रहे थे, बखरने के बाद कहीं एक जगह पे बुआई कर रहे थे, तो बुआई का सामान रखा जाता है ठीक। अब हो बुआई करते करते हो गया अंधेरा, अब ट्रक ट्रैक्टर की रोशनी से टॉर्च से काफ़ी डाला रोशनी, उसमें दिखाई ही नहीं दे रहा था कहाँ पे छूट गया सामान वो। तो बाबू, मुझे अच्छे से याद है, बाबूजी ने कहा कि नीरू चल आगे दिखा, कुत्ते का नाम नीरू था, नीरू ले जाके वहीं पहुँचा दिया जहाँ पे सामान रखा था। तो हर कोई प्यार का भूखा होता है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, है ना। और इस बंदे ने इस घायल पक्षी के प्रति अपना दया दिखाया, उसका इलाज कराया, जिसकी टांग टूटी। आप भी देखेंगे हर वीडियोस में उसका दाहिने साइड का पैर अलग टूटा टूटा दिखता है। तो अब वो इतना फ्रेंडली हो गया है तो लोगों को ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप ऐसे चिड़िया पाल सकते हो, पिंजरे में रख सकते हो, और ये नेचुरल है, इसे पाला नहीं है, उसने कहीं बंद नहीं किया है, एकदम फ्री विचरण करता है। जब वो बंदा बाइक से कहीं निकलता है तो वो सारा सी पीछे पीछे जाता है। मैंने ऐसे अपने गांव में बचपने में देखे हैं, अभी भी आते हैं, वो जोड़े में आते थे सारस, हमेशा दो जोड़े रहते हैं खेतों में, चुन के निकल जाते हैं। तो ये एक्चुअली सिंगल है, अब ये तो इतना उसका क्लोज हो गया, दोस्त जैसा हो गया है कि उसे हमेशा उसका ही साथ अच्छा लगता है। जैसे मैंने उसका वीडियोज़ में देखा, कहीं पे भी जाता है तो वो उसके साथ ही फ्लाई करता है, एक लोएस्ट हाइट पे, जिस हाइट पे मतलब 7 फिट की 10 फिट की इस हाइट पे करता है, और उसके साथ ही साथ रहता है। तो जब इंसान कुछ अच्छा करता है, चाहे पक्षी हो चाहे जानवर के साथ हो, तो डेफिनेटली वो क्लोजनेस बनी जाती है। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक युग है, जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, खेत खलिहान में पेड़ भी लोग नहीं बचने देते हैं, क्योंकि पेड़ के नीचे लाइट नहीं आती है तो फसल नहीं होती, तो उतने से एरिया के लिए भी इंसान पेड़ को काट डालता है ताकि हमारी उपज ज़्यादा हो जाए। वही हालत गांव में जानवरों का है। आप देख लो, आप गाय को दूध निकालने के बाद जब वो कम टाइम दूध देती है, आधा टाइम दूध देती है, आधा टाइम छुट्टा रहती है, उसको छोड़ देते हैं, है ना। कहीं आपने भैंस को छुट्टा नहीं देखा होगा, भैंस की सेवा करते हैं लोग, गाय की छोड़ देते हैं। तो ये भौतिकवादी युग है, लोग इसमें तत्कालिक फ़ायदे के लिए देखते हैं, लेकिन इन बंदों की जो दोस्ती है ना, उसमें इसका फ़ायदा ना उसका फ़ायदा, ये नेचुरल एक पक्षी का इंसान के प्रति समर्पण है, और इंसान ने उसके उसका ध्यान दिया, उसको चोट से उभारा, और आज वो उसका बहुत ही करीब ही हमसफर सा बन गया है, कि जहाँ जाता है वो साथ साथ जाता है, जैसे आप इन वीडियोस में देख रहे होंगे। तो वही है, खुला हुआ टाइगर, मतलब टाइगर रिजर्व में टाइगर लोग देखने जाते हैं, खुला हुआ पसंद है लोगों को कि जो नेचुरल हो, और वही टाइगर जू में है तो वो लोगों को पसंद नहीं आता है, जू का टाइगर पसंद नहीं आता है, और नेशनल टाइगर रिजर्व का उन्हें टाइगर पसंद आता है। वही इस पक्षी के साथ भी है।